till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hello everyone, welcome back. Radhe Radhe. तो friends, कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और हम भी जो है ठीक हैं. एक दो दिनों से मौसम साफ़ है, बारिश नहीं हो रही है. और अपनी जो है ना घर के कामों की व्यस्तताओं के कारण ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी सेहत के प्रति अवेयर नहीं रहते, और जिसके कारण ना मोटापा एकदम से हमें पकड़ लेता है. और वैसे भी 40 के बाद की जो एज होती है उसमें अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है. एक्सरसाइज तो हम करते ही करते हैं, पर हमें जो है अच्छी हेल्दी डाइट भी लेनी चाहिए. पर मार्केट में जाएँ ना तो उन सब्जियों को देख कर हमारा खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है. तो क्यों ना हम भी जो हैं घर की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को आजकल के दिनों में बना लें, खा लें, तो उसमें और भी मज़ा आता है. जैसे कि मैंने बनाई है आज नाशपाती की सब्ज़ी, और साथ में मेरे ये तल रहे हैं यहाँ पर पतरोड़ू. तो ये पूरे जो पहले का समय में बनाते थे ना हमारे बुजुर्ग, उसी तरह से मैंने आज ये बनाए हैं. इसमें थोड़ा सा छौंका लगाया है खड़े मसालों का, और थोड़ा सा प्याज डाल के जो ना ये पतरोड़ू मैंने साथ साथ में इसमें डाल दी हैं. और इसमें पकने के लिए, करारे होने के लिए छोड़ दूंगी, जो कि बहुत टेस्टी भी बनते हैं और एक बार एक टेस्ट हमारा चेंज भी हो जाता है. तो ये देखिए हमारी बन चुकी है नाशपाती की सब्जी और साथ में पतरोड़ू. और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना कि हम अकेले नहीं कर पाते. अगर हम उनको करने लगेंगे ना तो हम थक जाते हैं बड़े जल्दी. ऐसे में अगर कोई और हमारी हेल्प कर दे तो वो काम कितना ही क्यों ना हो एकदम इजी से हो जाता है. ये हमारी स्लैब की सीमेंट की बोरियां कम से कम जो है 136 के करीब बोरियां हैं जो आज हमें धोनी है. पर अगर मैं अकेले ही इनको धोने लगती तो मैं थक जाती. तो ऐसे में श्रीमान जी ने मेरी हेल्प कर दी थी. तो हम दोनों की कड़ी मेहनत के कारण बहुत ही जल्दी हमने ये सारी बोरियां धोकर रख दी थी. अब चलिए आगे चलते हैं, और मैं आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ जिनको मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ. आजकल बरसात चली हुई थी तो काफ़ी ठंड हो चुकी थी, तो मुझे ढकने पड़ा ये रज़ाई का कवर. एक्चुअली रज़ाई तो हम नहीं ढक सकते थे, बट आज मैंने इसको धोकर जो है ना सुखा कर रखने जा रही हूँ. तो मैंने इसको कुछ इस तरह से रोल कर लिया है, और इसके अंदर डालने वाली हूँ मैं कनेन की गोली, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक ज्वेलरी किट, जो कि मेरे पास ऐसे वेस्ट पड़ा था जिसके अंदर किनैन की गोली डाली है ना, तो वो इसके अंदर स्मेल अच्छी सी छोड़ेगी और इसके दाग भी नहीं लगेंगे. और उसके बाद मैंने इसकी सेफ्टी के लिए इसको एक प्लास्टिक बैग में जो है डाल दी है, और इस तरह से इसको पैकेट बनाकर जो है ना छोड़ दिया है. और फ्रेंड्स, जब भी हम कभी बाहर जाते हैं ना तो हम लेडीज़ को अपने कपड़ों को ले जाने की बहुत समस्या रहती है कि इनका जो स्पेस है ना काफ़ी ज़्यादा होता है. पर जब मैं कभी बाहर जाती हूँ तो मैं कुछ अपने कपड़े ना कैसे पैक करती हूँ चलिए दिखाती हूँ. अमूमन तो इसी तरह से हम शर्ट फोल्ड करते हैं, बट मैं अपनी शर्ट को कुछ इस तरीके से फोल्ड करती हूँ कि वो बहुत कम स्पेस में आ जाए. तो मेरे एक छोटे से बैग में मेरा कितना सामान आता है तो वो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी. तो ये तो मैंने अपनी शर्ट पैक की है इस तरह से. चाहे तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके अंदर भी जो है ना इसको डाल सकते हैं. ऐसे डालने से ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, फैलेगी नहीं, और एक पैकेट बन जाएगा जिसके अंदर हम और भी अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है ना डाल सकते हैं. तो चलिए इसको तो हम रखते हैं साइड में. और अब आती है बारी सलवार की. सलवार को फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है, पर चलिए देखते हैं कि मैं इसको किस तरह से फोल्ड करती हूँ. और बहुत ही जल्दी जो है मैंने इसको फोल्ड कर दिया, और अब मैं इसके पोंचों के अंदर जो है इसको एडजस्ट करने वाली हूँ और एक पैकेट बनाने वाली हूँ, ताकि मैं इसके अंदर भी और सामान जो है अपना एडजस्ट कर सकूँ. क्योंकि हमें अकेले सूट तो ले जाना नहीं होता है, साथ में अपने अंडर गारमेंट्स ले जाने होते हैं, दुपट्टा ले जाना होता है. तो अंडर गारमेंट्स तो अपने मैंने सारे देखिए इसके अंदर डाल दिए हैं शर्ट में, और अपना दुपट्टा मैं फोल्ड करके डालने वाली हूँ अपने इस दूसरे पैकेट में, यानी कि सलवार वाले पैकेट में. तो दुपट्टे को भी हम बिल्कुल तरीके के साथ, सलीके के साथ अगर फोल्ड करेंगे तो वो भी बहुत छुटकू सा जो है ना एकदम बन जाता है. तो ये देखिए कितने जल्दी से मेरा दुपट्टा कितना छोटा सा जो है ना बन गया है, और इसे मैं इस पैकेट के अंदर जो है डाल दूंगी. और ये कितने छोटे से बैग में सारा मेरा सामान जो है ना वो आ गया है. लेडीज़ के कपड़ों के साथ साथ जेंट्स के कपड़े भी ना इतने सारे कपड़े होते हैं, और इनको भी जो है
फोल्ड करके एक बैग, छोटे से बैग में ले जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है, चैलेंजिंग बात होती है। बट मैं जब भी कभी सफ़र में जाती हूँ तो किस तरह से जेंट्स के कपड़ों को पैक करती हूँ, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी ना इससे थोड़ा सा बेनिफिट उठा सकें। अगर आपको आइडिया अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैंने कुछ अपनी पैंट को इस तरह से फोल्ड किया है, और चलिए अब इसको रखते हैं हम एक साइड में फोल्ड करके, तब तक करते हैं और कपड़े फोल्ड। ये है टी शर्ट। टी शर्ट को मैंने बहुत ही छोटा सा बनाने की कोशिश की है, जिसके लिए मैंने दो नहीं तीन फोल्ड जो है अपने टी शर्ट के किए हैं, और उसको एक रोल रोल करके एक छोटा सा पॉच जैसा जो है पैकेट जैसा बना लिया है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा भी लग रहा है और बहुत कम स्पेस में आने वाला है। ये सारे के सारे जो आइडियाज़ हैं ना हमारी, ये हमारे स्पेस सेविंग जो है आइडियाज़ हैं। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपके छोटे से बैग में ढेर सारा सामान आ जाए, उसी के लिए ये सारी चीज़ें हम ट्राई करते रहते हैं। तो ये देखिए कितने जल्दी मेरी जो सारी की सारी चीज़ें हैं छोटे छोटे पॉच की तरह जो है बन चुकी हैं, और अब हम इनको जो है अंडर गारमेंट्स को भी इसी तरह से फोल्ड करते हैं। तो सारी चीज़ों को हम जितना छोटा हो सके उतना बनाने की कोशिश करें, ताकि वो ईज़िली जो है हमारे कपड़ों में एडजस्ट हो जाए। तो ये तो मेरी सारी की सारी चीज़ें बन चुकी हैं छुटकू छुटकू पॉच, और अब इनको चाहे तो हम इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर कुछ और ट्रिक भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना छोटा सा पैकेट बन चुका है, इसको आप छोटे से बैग के अंदर ईज़िली डाल सकते हैं। अब चाहे तो आप इसको जो है आधी चीज़ों को एक साइड, आधी चीज़ों को दूसरी साइड डाल सकते हैं। अंडर गारमेंट्स मैंने डाल दिए इस साइड, और टी शर्ट के साथ यहाँ पे सॉक्स, अपने ब्रश वगैरह जो भी है वो सामान इसके अंदर ईज़िली आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, वो तो बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।